फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकालने की ट्रिक बताऊंगी। और सबसे पहले कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकालना है ना, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं आता है तो आप किसी का भी वैलेंसी नहीं निकाल पाओगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे वीडियो बनाया था, आप जाकर के देख लीजिए। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप जाकर के वहां से भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं ओवरऑल बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि ये हमारा एटम है, ठीक है, और ये हमारा के शेल होता है, ये हमारा एल शेल होता है, ये एम होता है, और ये हमारा एन शेल होता है, ठीक है। तो के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग टू जाएगा, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन ही फुलफिल कर पाएंगे हम लोग के शेल में, ठीक है। एल में हम लोग कर पाएंगे 8, एम में कर पाएंगे 18, और एन में करते हैं 32, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 1 से 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम लिख करके रखी हूँ, उनका सिंबल है, ये यहाँ पे सिंबल है, एटोमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके मैंने रखा है के सेल एल एम एन, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग हाइड्रोजन का वैलेंसी निकालते हैं ना, तो उसका सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, और हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि के सेल में ही फुलफिल हो जाएगा, तो उसका वैलेंसी हो जाएगा 1, ठीक है। उसी तरह हीलियम का 2, ये फुलफिल रहता है, तो लिथियम का आउटर मोस्ट में कितना है 1, तो इसका वैलेंसी भी हो जाएगा 1। बेरिलियम का कितना है 2, तो इसका भी वैलेंसी हो जाएगा 2। अब बोरोन का आउटर मोस्ट में, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, ठीक है, मतलब कि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और के एल सेल में जाएंगे रिमेनिंग जितना बचे हैं, ठीक है, तो 5 में से 2 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 3। 3 इलेक्ट्रॉन्स एल सेल में हमारे जाएंगे जो कि आउटर मोस्ट सेल में होंगे, ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसका जो वैलेंसी होगा ना वो 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कार्बन, कार्बन का 2 और 4 डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका आउटर मोस्ट में कितना है 4, तो ये हमारा इसका वैलेंसी हो जाएगा कार्बन का 4, ठीक है। अब आता है नाइट्रोजन, ठीक है, 2 इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 5 हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसका वैलेंसी 5 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हम लोग को 8, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स तक हम लोग मतलब मानते कि मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं बार बार देते ही जाऊंगी। तो आप ऐसा कीजिए ना कि जैसे मान लीजिए कि आप 8 इलेक्ट्रॉन्स का हाफ कर दीजिए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आप 4 इलेक्ट्रॉन्स तक आप किसी को भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जहां 5 अब जैसे 5 आपके पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप क्यों दोगे, आप ले भी तो सकते हो ना, क्योंकि 4 जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो अगर आपको 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप 4 इलेक्ट्रॉन देने की जगह पे आप 3 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकते हो ना। तो इसीलिए इसको हम लोग 8 में से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 5 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। उसी तरह हम लोग फ्लोरीन का भी निकालेंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 और 7 होगा, ठीक है। तो 2 और 7, तो हम लोग इसको 8 में से इसका जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ना उसको माइनस करेंगे 7, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। उसी तरह सोडियम का करेंगे, तो 2 और 8, 8 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 0, तो इसका 0 है ही। फिर हम लोग सोडियम में, सॉरी वो नियॉन का था, सोडियम का 11 आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 2, 8, 1, तो फिर से 1 आ गया, देखिए 1 आ गया, 1 तो हम लोग इजिली गिवअप इजिली किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है, तो 1 इसका वैलेंसी आ जाएगा। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इसका वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 आ रहा है, तो इसका वैलेंसी भी हो जाएगा 2। अल्मोनियम में 3 आ रहा है, तो इसका वैलेंसी भी हो जाएगा 3। उसके बाद फिर आते हैं सिलिकन में, 4 आ रहा है, तो इसका वैलेंसी भी हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस, फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस में इसका टोटल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आउटर मोस्ट शेल में आ रहा है 5,
लेकिन आपको 8 होने के लिए चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन्स, 3। तो इसको हम लोग 8 में से 5 को माइनस कर देंगे जो कि 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसी तरह हम लोग क्लोरीन का सल्फर का करेंगे। सल्फर में टोटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। फिर क्लोरीन का करेंगे, क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 है और हमको 8 चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, तो उसका 8 - 7 = 1, ठीक है। उसके बाद फिर आर्गन में आएंगे, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 8, ठीक है। तो इसका 8 - 8 करेंगे तो = 0 ही आएगा वो। फिर पोटाशियम में का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 आएगा तो इसका वैलेंसी 1 होगा। कैल्शियम में उसी तरह से आउटर मोस्ट शेल में इसका 2 आएगा तो इसका वैलेंसी भी 2 होगा, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4 4 इलेक्ट्रॉन्स तक आप इजीली किसी को भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है, ठीक है। और जहां आपका 5 से ज्यादा होता है आउटर मोस्ट शेल में, आप उसको 8 से आउटर मोस्ट शेल को जितना इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।